आज अंकिता मम्मी और मैं पहुंच चुके थे भक्तपुर। एंट्री टिकट लेके अंदर गए, ऐसा लगा था अलग ही दुनिया में आ गए। स्पेशली सनसेट देख के तो भाई मजा ही है। फिर हम एक जगह पे गए जहाँ पे कुमारी हमको दर्शन देने वाली थी, जिनको लिविंग गॉडेस माना जाता है। इस खिड़की से हमको दर्शन मिलने वाले थे, पर यहाँ पे फोटो वीडियो के लेना बिल्कुल अलाउड नहीं है। वहां से निकले तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सब्सक्राइबर्स मिले। शीट शॉपिंग की तरफ मम्मी की नजर पड़ी तो मम्मी उस तरफ चली गई, भाई वहां पे बहुत ही ब्यूटीफुल चीजें मिल रही थी। लाफिंग बुद्धा देख रहा था, मम्मी देख रही थी विष्णु लक्ष्मी की मूर्ति जो की पीतल की थी, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी। मनी एक्सचेंज में गए इंडियन से नेपाली रुपए कन्वर्ट करने के लिए। काफी थक गए थे तो थोड़ी देर के लिए बैठ गए, फिर वहां से निकल के जॉन भाई लेके हमको एक फेमस समोसा खाने के लिए। अफसोस समोसा खत्म हो चुके थे, सिर्फ कचोरी थी। मैंने अंकिता बोला फटाफट जा क्योंकि कचोरी भी लिमिटेड अवेलेबल थी, उन्होंने फटाफट ले ली। मम्मी ने और अंकिता ने ट्राई की जो कि बहुत टेस्टी लगी, और ये तो इसको लॉलीपॉप की तरह खा रहे थे। फिर मैंने यहाँ ट्राई की पानी पूरी, भाई बहुत ही टेस्टी थी। फिर मैंने अंकिता को भी ट्राई करी, मम्मी को भी ट्राई करी, सबको बहुत ज्यादा अमेजिंग लगी। ये चांद के पास प्लैनेट का नाम बताओ। अंकिता जब तक सी शॉपिंग कर रही थी, हम लोग चनाचौर गरम खा रहे थे। फिर पतली लंबी गलियों से हम लोग निकले और भाई वहाँ पे हमने बहुत सारे मंदिर देखे, जिसमें स्पेशली ये भैरवनाथ का मंदिर। फिर मम्मी थक गई थी तो मैं थोड़ा सा मोटिवेशन देने गया। फिर काफी लंबे इंतजार और बहुत सारे कॉल्स के बाद फाइनली हमारे ड्राइवर आ गए। आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, पिन कमेंट कर लेना।